अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अपना नोटिफिकेशन पैनल या फिर आप जो है क्विक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से देखें, मैंने अभी स्वाइप किया नीचे की जानब और ये कुछ क्विक सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। उसके अलावा ये नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा मटेरियल स्टेटस बार प्रो। ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, पर वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री इसका जो वर्जन है, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्री फाइल आप इसकी जो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी इसका इसको मतलब कि फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इस ऐप का रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको एक्टिव करूँगा तो ये मुझसे जो है कुछ ना कुछ परमिशंस मांगेगा। तो मैं एक्सेसिबिलिटी में जो है चला जाऊँगा, यहाँ से आपने इसको ऑन कर लेना है। ओके, अब आप दोबारा से बैक आ जाएं। इस तरह से ये कुछ अपीयर होगा इसका मेन्यू। अब यहाँ से जाएं, उसके बाद आपने नोटिफिकेशन पैनल पे क्लिक कर दें और उसके बाद जो है आपने पैनल के थीम पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स आ गए हैं थीम के, पैनल थीम के। तो आप LG पे क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ से जो है अभी ये देखें वर्क नहीं कर रहा। मैं एक दफ़ा ऑन कर ऑफ करके दोबारा से ऑन करूँगा तो ये देखें अभी मुझे LG वाला थीम मिल रहा है। उसके अलावा चलें अभी कोई और थीम देख लेते हैं। जिस तरह से ये मैं टी कर लेता हूँ तो ये अभी इस तरह का मुझे कोई एक थीम देखने को मिल रहा है। चलिए इसके अलावा मैं भी आपको एक और थीम दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मुझे एक इस तरह का थीम मिल गया है। काफ़ी सारे इसमें थीम्स हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो रोज़ाना लेके आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।